हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। ये कपड़ा हमारा यहाँ से 14 इंच है और इस साइड से भी 14 इंच है। 14x14 इंच का ये कपड़े का ब्लॉक है। इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमारी फोल्डेड साइड है, ये यहाँ से हमारा 7 इंच है, इस साइड से भी 7 इंच है। तो यहाँ सेंटर से भी 7 इंच लेना है निशान लगा के, और इस टेप को यहाँ पे 7 इंच पे रखना है और इस तरह घुमाते हुए यहाँ पे राउंड बना लेना है। इसी तरह हमें यहाँ भी ये 7 इंच का इस तरह से टेप को घुमाते जाना है और निशान लगाते जाना है। ये इस तरह से राउंड में लगा दिया है। अब इस तरह से राउंड में ही कटिंग कर लेनी है। इसके बाद ये कॉर्नर है, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये सेंटर है, यहाँ से भी 3 इंच का ऐसे निशान लगाना है। इसे भी हमें इस तरह से राउंड ऐसे मिला लेना है। ये 3 इंच का सर्कल बन गया है। अब यहाँ से हमें आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ के इस तरह से ये भी निशान लगाना है। ये सिलाई के लिए छोड़ा है मार्जिन के लिए, तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर ली है, ये 2 पीस बन गए हैं। ये सर्कल बन गया है हमारा और ये इस तरह से बना है। ये सर्कल बना है, इसे हमें इसी तरह रखना है और यहाँ से हमें मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से राउंड में मेजरमेंट कर लेंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 9.5 इंच। तो इसका डबल करेंगे हम तो 9, 9, 18 और 19 इंच आ जाएगा। यहाँ से 19 इंच राउंड में हो गया। ये कपड़ा मैंने लिया है, इसकी हमें एक स्ट्रिप्स कट करनी है। जैसे इसका हमारा राउंड में जो सर्कल आया है हमारा 19 इंच, तो यहाँ से हमें ये मैंने डबल रखा है, तो इसका हमें हाफ लेना है। 9.5 इंच आया, आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से 10 इंच रखूँगी मैं। ये 10 इंच यहाँ से रखा है और चौड़ाई में हमें यहाँ से रखना है 4 इंच। ये इस तरह से हमें 4 इंच की पट्टी काट लेनी है, तो ये इस सर्कल में हमारी लगेगी। तो ये 3 पीस मैंने कट कर लिए हैं। इसी तरह के पीस हमें सेम साइज के ये लाइनिंग के काट लेने हैं। तो मैंने व्हाइट कलर का यहाँ पे लगाया है लाइनिंग के लिए, सेम साइज के हैं। अब इन पीसेस को सिलना है, तो पहले हमें ये 2 पीस सिलने हैं। तो ये हमारा इस तरह से है, इसे हमें सिलना है। तो जैसे यहां से हमारा 9.5 इंच आया था, यहां से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये पीस मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया है, तो इस तरह से हमारा ये पीस बन गया है। ये कैप का ऊपर का हिस्सा आएगा। इसके बाद ये पीस है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है, तो यहाँ हम निशान के लिए कट लगा लेंगे। इस साइड में भी इस तरह से कट लगा लेंगे। अब ये सर्कल है हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये कट लगा दी है मैंने, तो सिलते टाइम हमें इजी रहेगा। इसके बाद ये कैप का ऊपर का पार्ट है, इसे हमें इसे भी 4 कट लगाने हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड कर लिया और यहाँ से भी कट लगा देंगे, और ये दोनों साइड हैं, यहाँ भी कट लगा देंगे। अब ये भी 4 पार्ट हो गए हैं इसके। अब इनको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, इस पीस को। तो इस तरह से खोल लेंगे और ये कट लगाया है और ये एक कट है। यहाँ पे पिन लगा लूँगी मैं, ये एक पिन लग गई है। अब ये दूसरा पार्ट है, इसे भी यहाँ पर पिन लगा लेंगे। ये अगला पार्ट है, ये भी पिन लगा लेंगे। इससे क्या बराबर हमारा एकदम कपड़ा जुड़ेगा। तो ये पिन लगा के कपड़ा ज्वाइन हो गया है इसके साथ। अब सिलना है, तो जैसे ये कपड़ा हमारा थोड़ा लूज आ रहा है, तो इतना हमारा ये बराबर है। तो इसके बराबर हमें जैसे 2-2 प्लीट आ जाएंगे इसके, यहाँ पर इस तरह से प्लीट लगा के
तो इस कपड़े को इस कपड़े के बराबर करना है, तो सभी में हमारे दो दो पीस दो दो प्लीट आ जाएंगे। ये दोनों पीस मैंने सिल दिए हैं, तो इस तरह से दो दो प्लीट्स हमारे आ गए हैं दो सभी पीसीज में। ये यहाँ से जो चार मैंने किए थे पार्ट, उसमें दो दो प्लीट आ गए हैं। तो अब हमारे कैप की शेप इस तरह से आ गई है, ये ऐसे बना है। इसके बाद ये लाइनिंग का जो भी पीस हमने काटे थे इसके बराबर, इसको भी हमें इसी तरह सिल के रेडी करना है। दोनों पीस बन गए हैं, ये लाइनिंग का है ये ऊपर का है, तो इनको हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है। ये साइड ये है, ये पीस हम इसी तरह रखेंगे सीधा, और इस पीस को इस पीस के अंदर ऐसे रखना है। दोनों पीस बराबर करके रख दिए हैं, अब सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें इसे सीधा भी करना है, तो यहाँ पर 2 इंच का छोड़ लेंगे, इतने पे सिलाई नहीं आएगी, बाकी हमारी सारी यहाँ तक सिलाई आएगी। सिलाई लग गई है राउंड में। अब जैसे यहाँ से ये हमारा राउंड में है, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा कट लगाना है, इस तरह से सिलाई नहीं काटनी, ऐसे कट्स लगाने हैं सिलाई के पास से, इस तरह से लगाएंगे पूरे राउंड में। कट्स लगने के बाद जैसे ये कपड़ा, यहाँ से मैंने सिलाई नहीं लगाई, यहाँ से हमें सीधा करना है कैप को, तो इस तरह से ये कपड़ा है यहाँ से ऐसे निकाल के सीधा कर लेंगे। कैप को मैंने सीधा कर लिया है, और यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है, ये सिलाइयाँ हमारी एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी। और ये सिलाई हमने यहाँ पे छोड़ी है, ये हमारी इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके ऐसे आ गई है कि यहाँ से हमें राउंड में पूरे सिलाई लगा देनी है। ये साइड में भी मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ पे 3-4 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा इस तरह से खड़ा रहेगा। तो ये कैप बनाने के लिए थोड़ा हमें कड़क कपड़ा लेना है, जिससे कैप हमारी इस तरह से थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा, ये तो देखने में अच्छा लगता है और पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये कैप बनके रेडी हो गई है, तो इसको दोनों साइड से हम पहन सकते हैं। ये दूसरी साइड है, क्योंकि इसकी सारी सिलाइयाँ हमारी अंदर में है। जैसे ये कैप हमारी 2 से 3 साल के बेबी के लिए आराम से आ जाएगी। इससे छोटी बनानी है, तो इसका थोड़ा छोटा साइज ले तो छोटी बन जाएगी। फ्रेंड्स, कैप हमारी बनके रेडी है। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।